देखो यारी, देखो ये पारे में भाई क्या शानदार से देखो शहद बना रही है। ये काफी आसानी से शहद बना ली। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो सभी, आई सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है सुनील, आज के माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। सभी अच्छे, जल्दी से लाइक और कमेंट कर दे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी कैसे हैं। और दोस्तों, मैंने आज यार व्लॉग 8-9 बजे ही चालू किया। सवेरे थोड़ी ही धुंध तो आई थी और बाकी थोड़ी ओस तो फूले है। दोस्तों हवा तो यार पेंडा ही नहीं छोड़ने वाली, गर्मी हो या फिर सर्दी, हवा तो चलेगी चलेगी। और दोस्तों सोमवार को मैं जाने वाला हूँ स्कूल में, आज हो गया शनिवार, कल कल का दिन और मैं घर पर ही हूँ। और दोस्तों बैग दो लेते हैं, बैग की जरूरत पड़ेगी हमें स्कूल में जाने के लिए, जल्दी से बैग को धोते हैं। चलिए बैग को घर पर चलते हैं, देख लियो अगर लोहे है ही पे, जल्दी से जाएंगे। बैग को खाली करूँ मैं तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं यार बैग को खाली करता हूँ। भाई यार देखो यार कितनी कॉपियां हैं मेरे पास, देख पा रहा हूँ ये यार रफ कॉपी भाई फुल मोटी है भाई। ये है कागज थोड़े बहुत काम के हैं, ये खाली है, कई टेस्ट देने में काम आते हैं भाई। ये देखो यार झोला बैग के अंदर ही पड़ा था। दोस्तों देख पा रहे हैं यार मैंने बैग को पूरी तरह खाली कर लिया है, और देख पा रहे हैं ये झोला भी मेरे काम आएगा। इसके अंदर खा लेंगे हम गाइड गुइड तो नोड़ेगी या फिर नहीं, जल्दी से इसके अंदर देखते हैं यार। बस अरे टूट गया यार पकड़ने वाला बस इसका तो। भाई यार बस तीन ही गाड़ने को पाया मैं, भाई यार ज़्यादा बड़ा नहीं था इसमें, और बस पैर पुन ही गाड़ देते हैं। फाइनली दोस्तों बैग खाली करके बाकी मनोरथ दी मेरी कॉपी कूपी फिर ले जाएंगे। और दोस्तों अभी देखो यार इसकी लुक सुक देखो, इतना मैं गंदा उसका ये, और धोने के बाद देखना भी देख पा रहे होंगे इसके धोने के लिए एक तो सरफ चाहिए जो कि मेरे पास है, ब्रूच भी है, और पानी जल्दी से गर्म निकाल भी गर्म पानी निकालते इसके अंदर से, देख ही पा रहा हूँ ये गर्म पानी। तो दोस्तों मैंने बैग को इस तासला के अंदर भेज लिया है, अभी लिया है और अभी जल्दी से इसके ऊपर सरफ गिरते हैं और ब्रश से रगड़ते हैं। आप इतने लाइक और कमेंट कर दे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे, मैं इतने में बैग को धो देता हूँ। दोस्तों मैंने बैग दे लिया, आप सभी देख पा रहे होंगे, देखो यार कैसे पानी टपक रहा है, अभी जल्दी से इसे मशीन में डालते हैं। देख लो मेरी माँ सीती है, जल्दी से मशीन में डालकर सुखाते हैं इसे। दोस्तों मैंने चला दिया मशीन, इसके अंदर है और 5 मिनट लट के फिर आके देखते हैं कैसा हो गया हमारा बैग। फाइनली दोस्तों 5 मिनट हो चुका, भी जाकर देखते हैं मशीन के अंदर बैग कैसा हो चुका, जल्दी से जाते हैं। दोस्तों मैं मशीन के पास आ चुका हूँ, देख पा रहे हैं आप बंद हो चुकी है मशीन। भाई ये भी हटाना बहुत जरूरी होता है, पता नहीं सूखा है या फिर नहीं यार, जल्दी से निकालते हैं। पहले आप बताओ कैसा सूखा होगा बैग, फिर दिखाता हूँ आपको, जल्दी से कमेंट करो भाई। अभी देखो यार देख पा रहे, अब सूखने के बाद देखते हैं कैसा होगा ये, जल्दी से सुखाते हैं अभी इसे गाम के अंदर, इधर आज तो बहुत गाम है, जल्दी से सुखाते हैं इसके ऊपर। देखो बैग तो सुखा दिया अभी, इसको शाम को देखते हैं सूख पाएगा फिर नहीं पाएगा, कल का भी दिन है, देखते हैं सूखेगा फिर नहीं सूखेगा। और दोस्तों आपका बैग का रंग कैसा जल्दी से कमेंट करके बताएं यार, साथ में कलर भी लिख दें जल्दी से, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपका बैग का रंग कैसा है, जल्दी से करें। तो दोस्तों आज मैं सरसों में आऊँगा, ये माखी देखा है, माखी और काफ़ी ज़्यादा है, देख पा रहे हैं आप। हमने यहाँ पे मेथी भी बो रखी है, देखो ये तो मेथी है, ये देखो
देरी में थी। बाकी देख लियो अब खूबसूरत नज़ारा, मैं ये नज़ारा देखने के लिए आया हूँ। भाई चुगर तई देखो यार, मेरे से ऊपर चली गई है, बस थोड़ी रह गई है, बाकी एक दो दो पेड़ा चली गया, देख पा रहेंगे आप। बाकी यार इसके अंदर ये माखी देखो भाई किधर गई, उड़ गई यार, देखो येरी, देखो ये पा रहे भाई क्या शानदार से, देखो शायद मना रही है ये। काफी आसानी से शायद मना ली, क्योंकि इधर देखो यार फूल ही फूल है जिधर ही नजर जाती है, क्योंकि इधर ससम बो रखी है। माखियों का डर भी है यार कहीं खा जाए। बाकी चुगुरते ही सरसम सरसम है, पीले फूल है, रामदारी से शायद मना सकती है। दोस्तों ये माखी यार मधुमक्खी है, ये शायद मनाती है, यही कई अलग प्रकार के फूलों को रस को चूस लेती है और कई घनी प्रकार से लेकर इनका शायद बनाती है। काफ़ी मीठा होता है, खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, शायद को हनी भी कहते हैं हम तो, यार शायद ही कहते हैं, देख देसी भाषा में हरियाणवी में शायद शायद वो है हनी, हनी कह दो तो शायद कह दो। बाकी दोस्तों यार मक्खी देखने के लिए मिल जी तो अलग भी दिखाई जी, बाकी दे लो कि उड़न आई रही अजय इनका छत्ता लो जाओ जी खाए जे यार, जिन्हें मैं इनका ठिकाना हो, मैं इनका घर भी मैं इसका हूँ ना, उसका लोग जाके इन्हें छेड़ा जे खा ले गई हैं। और भाई काफ़ी सूज जाते हैं इधर, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, फूली सोई आ जाती है, कई तो रिएक्शन कर जाते हैं ऐसे, नीचे पड़ जाते हैं, चला ही नहीं जाता, टीके टाके लगा के सही हो जाते, लेकिन इतने नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन यार इनके घर के करना नीचे यार, घर का बताना होता तो किमें कराएगी ये। दोस्तों यार माँ इन मधुमक्खियाँ ने यार फूल तो मतलब लो क्या आएगा, फूल होता है किसी प्रकार का, चाहे नींबू का फूल हो, या नींबू का फूल हो, चाहे अनार का फूल हो, इन्हें बस शायद लेना हुआ है। बाकी एक सिंगरे इनका मूड़िया के फूल आ रहे हैं, इनके ऊपर भी दी शायद दे लो यार, ये चूसन देखो ये गई यार, देखो येरी देख पा रहे आप, हम जैसी लो जाती हैं उड़ जाती है, ये गना सारा इकट्ठा करके अपने छत्ते में जाएगी और उधर शायद बना देगी। और दोस्तों यार मुझे यार एक बात याद आ गई मेरे बचपन की यार, आपको माखी के बताते बताते यार मुझे पता नहीं था यार कोसी छत्ता में कोस शायद होता है। तो दोस्तों यार मैं जब भी यार 5 या 6 साल का था, जब मैंने यार भेड़ का छत्ता छेड़ लिया यार, शायद के मारे वहाँ शायद आ पाएगा, मीठा पाएगा, अच्छा होता शायद खाने के लिए, इसके चक्कर में यार मैंने भीड़ का छत्ता छेड़ लिया और दोस्तों मेरी आँख को खा गया यार, आँख को कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा सूज गया यार, आँख पूरी सूज गई थी भाई। फिर पता चला मैंने घर के उन्हें बताया यार ये तो भीड़ है और वो शायद का है। आपको पता था या नहीं पता था, आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएं, मैं भी देखना चाहता हूँ आप सभी को कि ऐसा होया है भाई, नहीं मेरे मेरे साथ तो नहीं होया ऐसा, जल्दी से बताओ। तो दोस्तों बैग अब सूख चुका हुआ यार, काफ़ी समय हो चुका है, शाम हो चुकी है, सूरज तो बस मेरे ख्याल में छिप ही चुका है, मेरा अंदर था लेकिन यार बच चुका है, थोड़ा ही है, देख पा रहे आप लाल हो चुका है दोस्तों सूरज। इससे यार क्या ही तो बैग को घाम लगा, जल्दी से उतारते हैं इससे, बल्कि ठंडा हो जाएगा, ठंड हो चुके, ये हमारा बैग तारना तो बहुत ही शान है, टांगना था नीचे नहीं पड़ जाए बस ये। तो दोस्तों मैंने तार लिया, देखो मैंने चैन खोल के सुखाया था, सही सूख गया, बताइए तो हम किस बैग का हल मुल उतरिया कौन उतरिया देख लो, देख पा रहे होंगे आप, मुझे तो लगता है यार उतर गया मैल, जितना था सारा उतर गया, मिट्टी जमी हुई थी मैल तो कहीं होगा इस पर, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी गंदा लग रहा था यार। अभी देखो यार भाई ये कलर देखो यार, काफ़ी अच्छा लगने लगा अभी भाई, पूरा कर दिया मैंने, पूरा चारों तरफ से धो दिया, आपने धोया फिर नहीं धोया जल्दी से कमेंट करके बताएं, अभी देखना चाहता हूँ आप स्कूली चीज कैसे रखते हो, जल्दी से करें कमेंट। दोस्तों बैग तो सूख गया है, थाना धोया कौन धोया जल्दी तक कमेंट करके बताओ। और दोस्तों शाम भी हो चुके, सूरज अभी छिपने वाला है जस्ट थोड़ी देर के अंदर,
कुछ एक क्षण के अंदर छिपने वाला है। और दोस्तों मिलते हैं आपके कल के न्यू व्लॉग में। बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आज का व्लॉग? अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक और कमेंट कर दे, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप सभी को कैसा लगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें। बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।